like a bell cut. आज टोटल 90 बंदों ने टीम में एंटर किया है। आज मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज तो स्क्वाड ही बहुत आए हैं। कल से मैं सभी स्क्वाड को ये कहना चाहूंगा कि सभी स्क्वाड टाइम पे आ जाएं, वरना जैसे आज हर कोई घुस गया स्लॉट में और किसी को भी बेमतलब अपना स्लॉट आईडी पासवर्ड ना दे, कोई भी घुस रहा है। और इन्हें हमने बताया भी नहीं था कि आप लोगों को आना भी है, कोई भी आया है भाई। सॉरी गाइस, हम कुछ नहीं कर सकते ब्रो। आज बहुत सारी स्क्वाड आई है यहाँ पर, बहुत मज़ा आने वाला है। ये बताना मुश्किल हो जाएगा ब्रो, बहुत ही टीमें आई है। नेगी लक्की वहाँ पर वाइल्ड एग्जीक्यूटर को मार दिया है और यहाँ पर देखते हैं फाइट देखने को मिलेगी। वहाँ पर चार स्क्वाड आए हैं मिलिट्री बेस। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। मिलिट्री बेस वहाँ पर चार स्क्वाड आई है। नाइट अभी स्मोक कार्ल डार्क स्टार, एक बंदा मिसिंग है। और यहाँ पर विपिन ठाकुर को नॉक कर दिया है। देखते हैं, बहुत अच्छी टीपीपी ले रहे हैं। और यहाँ पर अश्वत्थामा नेगी लक्की को हाथ लगा रहे हैं। देखते हैं स्मोक वहां पर क्या करते हैं, रश कर देंगे कि नहीं। माफ कीजिए, और जगह फाइट में दिखा नहीं पाऊंगा। ग्रैक ने वहां पर सीजेड मौत को मार दिया है। रिफ्लेक्स आर्कस ने वहां पर पता नहीं बोरो किसको मारा है। साइनेड ने भी शॉट टू किल को मारा है। और वहां पर टीम 15 और ग्रैक वहां पर सीन प्रज्वल को मार दिया है। और यहां पर देखते हैं टीपीपी ले रहे हैं। और यहाँ पर पीछे से यहाँ पे बहुत ही सैंडविच होने वाला है कोई भी। और यहाँ पर देखते हैं रश कर दिया है और नेट किया है। और यहाँ पर गुलशन नेगी नॉक हो गया है। और यहाँ पर गुलशन नेगी पूरा किल किया है। यहाँ पर अश्वत्थामा नॉक हुए हैं साथ में। और देखते हैं यहाँ पर थर्ड फोर्थ पार्टी सब हो रही है, अलग अलग स्क्वाड है, तीन स्क्वाड यहाँ पर आपस में एक ही। और काल डास्टर को भी नॉक कर दिया है। और यहाँ पर देखना होगा, वहां पर बहुत ही अच्छा खेला है वहां पर अश्वत्थामा की टीम, बहुत अच्छा खेली है। दो ही बंदे बचे हैं मिलिट्री बेस में, अब कोई फाइट नहीं होने वाली है। अब फाइट जहां है, अब हम वहां फाइट दिखाते हैं आप लोगों को। वहां पर टीम 5 ने एक बंदा नॉक किया है। कहां ये कर रही है नॉक, पहाड़ी शेर। और वहां पर टीम सीजेड कोडगरू ने इल्यूजन को मारा है। और टीम 11 पे खेल रही है इल्यूजन। और वहां पर बेहतरीन नॉक दिया है सीजेड कोडगरू को।
और वहाँ पर इल्यूजन भी नॉक है, और यहाँ पर देखना होगा, और वहाँ पर इल्यूजन ने सीजेड कोडगरु को फिनिश किया है, और वहाँ पर वॉरियर किंग ने अंकुश जरेट को मारा है, और रैपिड ने प्रतुल जरेट को मार दिया है, और देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। और रैपिड ने अंकुश जरेट को फिनिश कर दिया है वहाँ पर, और वहाँ पर आयुष जरेट अकेले बचे हैं। आयुष जरेट ने वहाँ से निकलना ही सही समझा, और वहाँ पर इल्यूजन को नॉक किया है टीम 11। आज बहुत बंदे आए भाई, तो फाइट हम दिखा नहीं पाएंगे सब जगह, एंड में ही बहुत फाइट अच्छी दिखने को मिलेगी, तो सब भी एंड तक खेले यही कहना चाहूँगा मैं। और यहाँ पर इल्यूजन डेविल नॉक हो गया है, और यहाँ पर इल्यूजन अकेले ही बचे हैं, और वहाँ पर टीम 17 ने इल्यूजन के स्क्वाड को फिनिश कर दिया है, और रुजॉक में कोई फाइट देखने को नहीं मिलेगी। वहां पर खुशबू सर कैक नॉक हुई है, और देखते हैं वाइपर यहां पर रश आने वाला है टीम 19 से, जो कि बहुत ही अच्छे खेलते हैं ये बंदे, और वहां पर रश करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और यहां पर खुशबू सर कैक ने बहुत ही बेहतरीन नॉक किए हैं, और वहां खुशबू सर कैक ने मैं बहुत ही अच्छा, और गलत है वो बहुत सही वहां पर फिनिश किया है, उन्हें पता है बंदा आ रहा है, और बंदा ग्रैक आते हुए ऊपर काश रिवाइव हो पाए, अरे अरे, और वहां पर बहुत ही अच्छा खुशबू सर कैक ने मारा था, अगर वो दोनों को फिनिश कर लेते तो बहुत अच्छा रहता वहां पर, बहुत गंदा लगा पर बहुत अच्छा खेले खुशबू सर कैक वहां पर। और वहां पर टीम पाड़ी भी पहुंच चुकी है, और वहां पर ईएक्स राष्ट्रा ओपी ने निंजा निंजा ने राष्ट्रा ओपी को नॉक कर दिया है, माफ कीजिए ये मैं दिखा नहीं पाऊंगा। 22 टीम 22 है ना, इसको यार याद रखना ही बहुत है कि टीम कहां कहां खेल रही है। और यहां पर एंटर का नॉक हुए है, और राष्ट्रा यहां पर देखते हैं क्या कर पाते हैं, और वहां पर टीम 16, और वहां पर डेविल ओपी भी है, और वहां पर राष्ट्रा टीपीपी ले रहे हैं, और डेविल घर पे है, तो देखते हैं यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकती है। शेक में अगर उन्हें पता है नेट मार सकते हैं तो शायद अच्छा होगा, उन्हें पता है, और वहां पर बहुत ही बेहतरीन नेट मारा है राष्ट्रा ओपी ने, और देखते हैं शेक में घुस के अंदर एम्परर का नॉक है, डेविल नॉक है, और वहां पर बहुत ही अच्छा फिनिश कर दिया है इन्होंने, बच गए हैं सरफेक्स, बहुत अच्छा खेलते हैं ईएक्स की टीम वहां पर बहुत ही अच्छा खेल रहा है। और चलिए यहां पे फाइट क्लोज हो गई है, अब देखते हैं कहां पर फाइट होने के चांसेस है, स्कूल में फाइट होने के चांसेस है टीम 17 और 20, टीम 17 और 20, पांच पहाड़ी भी है और 20, और वहां पर क्लोज आ रहे हैं, और वहां पर फाइट हो सकती है, और वहां पर देखते हैं क्या होता है, टीम 17 और 20 में फाइट देखनी होगी, और वहां पर बहुत अच्छी स्प्रे दे रहे हैं टीम 17 के, और यहां पर वहां पर और यहां पर टीम 20 ने नॉक किया है, और टीम 20 का एक बंदा नॉक भी है, और टीम 17 का एक बंदा फिनिश कर दिया है, और यहां पर जायरो दीपू देखते हैं नॉक कर दिया है जायरो दीपू ने, और एमटीएक्स फ्री क्या कर रहे हैं वहां पर, इन्हें मारना चाहिए, वन एचपी बचे हैं ये, देखते हैं, और बहुत ही अच्छा नॉक किया है वहां पर टीम 20 के बंदे आते हुए,
और देखते हैं, बहुत ही अच्छा नॉक किया है, लास्ट बंदा बच गया। और वहां पर MTX फ्रीक ने, हेलो रास्ते, और वहां पर जिसकी टीम आ चुकी है, थर्ड पार्टी हो गए वहां पर, TMPSTX आए हैं। बहुत ही अच्छी टीम है ये, कल इन्होंने हाईएस्ट किल किए थे, 14 किल इन्हीं किए थे और चिकन निकाला था, इनसे बच के रहे। और बहुत ही अच्छा थर्ड पार्टी की वहां पर, और क्या कह सकते हैं, बहुत ही टीमें आई है तो बहुत अच्छा खेलना होगा ये कह सकते हैं। और वहां पर पहाड़ी भी है, और वहां पर पहाड़ी और सैनिटाइजर, टीम 10 और 5 में फाइट होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। और बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलेगी वहां पर, टीम कहाँ फाइट हो रही है। और यहाँ पर इताची ओपी बहुत अच्छे खेलते हैं ये, फियर की टीम, रिफ्लेक्स भी आए हैं वहां पर, बहुत बढ़िया देखने को कंपटीशन मिलेगा वहां पर। बहुत ही अच्छी अच्छी टीमें आई है आज, बता दे। और अपनी टीम 12 देखते हैं कहाँ है ये, यहाँ पर टीम 12, टीम 12 और वहां पर लेगेसी नॉक किया है FCN ने, कैसे ढूंढे हमने। अभी ने बुलाया ही नहीं हमें, किन्ने ने आईडी पासवर्ड को किसने दे दिया ने, कोई भी आ रहा है मतलब, ऐसा नहीं चलेगा कल से, हटा दिया। और यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी रॉकी मॉन्स्टर और FCN ने वहां पर, उज्जवल ने वहां पर नॉक किल कर दिया है, फिनिश हो गई है ये स्क्वाड भी यहाँ पर। और वहां पर ब्रिज पे फाइट हो सकती है, FCN वहां पर ब्रिज पे है, और यहाँ पर EX की टीम नोवो से शायद अगर वो आएगी तो मुझे लगता है शायद ब्रिज कैंप करने के चांसेस है। और वहां पर अबे क्या हो गया, ये बोट में क्यों मारा नहीं देखा गया। और वॉरियर किंग ने रेंजर बाबू को नॉक किया है, किल किया है। और वहां पर अबे रायता भी नॉक है, यहाँ कहाँ पे है ये फाइट चली कुछ बता नहीं सकते। और वहां पर रैपिड वॉरियर रिवाइव करते हुए, ओहो यहाँ पर रेंजर बाबू की फाइट हो रही है इनके साथ, FCN हर्षु नॉक हो गया। और यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट देखने को मिल रही है, अबे रायता वहां पर नॉक है, रिवाइव हो चुके हैं। और यहाँ पर 3 नंबर भी बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत ही बेहतरीन फाइट देखने को मिल रही है, माफ कीजिए और जगह हम फाइट नहीं दिखा पाएंगे। और वहां पर टीम 3 को नॉक किया है, देखते हैं रश करेंगे वो वहां पर, मुझे लगता है रश करेंगे। और टीम TMPS ने सैनिटाइजर को नॉक किया है, और यहाँ पर स्कूल में, स्कूल से फाइट देते हुए यहाँ पर भी बहुत ही रिफ्लेक्स का स्क्वाड है, रिफ्लेक्स और सैनिटाइजर साथ खेल रहे हैं, इताची रियल, बहुत ही यहाँ पर 3 स्क्वाड है। पर यहाँ पर क्लोज रेंज फाइट नहीं होगी, ओनली स्नाइपर। और वहां पर टीम 3 को फिनिश कर दिया है, रेंजर बाबू का स्क्वाड जाता रहा, अबे रायता की टीम ने मारा है। और वहां पर FNC क्या ब्रिज कैंप करेंगे डेविल ओपी की टीम को, नहीं वो जा रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि। और यहां पर देखते हैं क्या हो पाता है, कैंप करके बंदे निकल के ब्रिज से।
और यहाँ पर कोई फाइट देखने को नहीं मिल रही है, और कहाँ पर फाइट हो सकती है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिल रही है। सनी टाइगर स्मोक कर रही है, 3-9, बहुत अच्छा टीम है इनका, टीम वर्क बहुत अच्छा खेलती है टीएमपीएस की टीम, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, ओपी खेलते हैं बहुत मस्त। आज बहुत टीमें आई है, 91 एंटर की है। कल से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पे आ जाए, 9:30 आप अपने अपने स्लॉट ले जाए, क्योंकि आज भी कोई भी घुसा है, पता नहीं चल रहा था किसे हटाए किसे नहीं, और वहां पर कोई फाइट देखने को नहीं मिल रही अभी। अभय रायता देखते हैं, वहां पर फाइट देखने को मिल सकती है, ऊपर से अभय रायता की टीम भी आ रही है। कल हम वहां पर पेड कराने का भी सोच रहे हैं, संडे संडे हम पेड कराते हैं, देखते हैं कल कौन तैयार होता है पेड खेलने के लिए। पर पहाड़ी थोड़ी क्लोज आते हुए और अपार्टमेंट ले लिया है वहां पर रिफ्लेक्स और साइनाइड ओपी रियल ने, और यहाँ पर स्कूल में टीएमपीएस के देख रहे हैं आप, और वहां पर टीम 12 स्कूल की ओर बढ़ रही है, इन्हें पता नहीं है यहाँ पर बंदे हैं, देखते हैं रुकेंगे वहां पर फायर आता हुआ, मुझे लगता है निकलना सही रहेगा वहां पर, नहीं ये फाइट लेना चाहते हैं। ओ भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या वो पता है, एचपी गोल वहां पर हील कर रहे हैं, और यहाँ पर एचपी 09, यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी, यहाँ नेट बहुत होने वाले हैं, बहुत इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पर चार चार स्क्वाड है स्कूल में, और नेट आया है और एचपी 09 को नॉक कर दिया है सैनिटाइजर का, बहुत ही बेहतरीन नेट आया है, इन्हें जल्दी जल्दी हाथ लगाना होगा वरना वो रश कर देंगे, और वहां पर वहां पर घुस चुके हैं, देखते हैं क्या वो पता है, यहाँ पर बहुत ही फाइट देखने को मिलने वाली है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है, और वहां पर टीम 12 छत पे आ गई है, बहुत ही अच्छा सही रहे, पर इन्हें स्कूल से भी पढ़ सकती है, और पहाड़ी भी ऊपर आ गई है, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे टीम 12 का बचना, क्योंकि ये सब जगह से घिर चुके हैं, और वहां पर एचपी 95 को नॉक किया है, और यहाँ पर टीम 18 ने रश किया है, देखते हैं यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर फाइट देखने को मिली है, यहाँ पर नॉक हुई है, और यहाँ पर फिनिश कर दिया है टीम 18, और 10 रिफ्लेक्स वहां पर बचे हैं, और वहां पर पहाड़ी भी क्लोज आ रहे हैं, और वहां पर बहुत ही गंदा सीन होने वाला है, यहाँ पर किसकी फाइट दिखाई समझ नहीं आ रहा, और वहां पर पहाड़ी की हेल्थ भी कम है, और वहां पर देखते हैं क्या काम कर पाता है कुछ, और नेड ही नेड हो रहे अपार्टमेंट में, माफ कीजिए कहीं और फाइट होगी तो हम दिखा नहीं पाएंगे अभी, वहां पर वॉरियर हेल ने जरेट अजेक्स को नॉक किया है, माफ कीजिए हम दिखा नहीं पाएंगे बहुत ही, और वहां पर टीएमपीएक्स बहुत सही खेल रहे हैं चुपके से,
क्योंकि क्या वो आगे बढ़ पिछले रही वीक है? में ऐसे जोर मार नहीं दिया। नहीं नहीं और यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्कस नॉक किए हैं एफएनसी ने, और एफएनसी ने पहाड़ी देव को नॉक किया है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सब उन देखने को मिल रही है, और यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। एफसीएन कृष्णा ने इताची ओपी रियल को किया है नॉक, और वहां पर इताची ओपी रियल और सैनिटाइजर बचे हैं, और यहाँ पर टीम पहाड़ी को, पहाड़ी की स्क्वाड फिनिश हो गई है, और वहां पर सैनिटाइजर ने बहुत ही अच्छा एफसीएन के बंदों को नॉक किया है। क्या क्या सीन है? और वहां पर एफसीएन का एक ही बंदा बचा था और रिवाइव लगा, हाथ लगा दिया है, और बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिली है स्कूल में। तीन बंदे, तीन स्क्वाड है अभी भी, और देखते हैं बहुत ही अच्छे से खेलना होगा वहां पर टीम। यहाँ पर तीन बच्चे हैं और चार इनकी स्क्वाड में है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं सब। वहां पर आयुष रेट भी सब लोग जोन की ओर आ रहे हैं, और वहां पर नेट किए जा रहे हैं सब। बहुत मुश्किल हो रहा है हमें भी ये दिखाना कि क्या होगा स्कूल में, नेड ही नेड। यहाँ पे चार स्क्वाड थी, अब दो स्क्वाड रह गई है, चार की पांच स्क्वाड थी भाई, तीन स्क्वाड, दो स्क्वाड रह गई अब यहाँ पे। बहुत ही अच्छी फाइट ले रहे हैं वहां पर कोटगड़ू की टीम, और यहाँ पर टीएमपीएक्स क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रही है ये कैंप कर रही है, ने चिकन निकाला है। और वहां पर आयुष जेड की टीम, जेड की टीम भी है, और वॉरियर हेल रायता भाई की टीम भी है, और वहां पर एक फाइट देखने को मिल रही है, निर्वाणा ने वाइल्ड को मारा है। ये कहाँ फाइट हो रही है? अच्छा यहाँ फाइट हो रही है, कैंथला की स्क्वाड में है आज, और वहां पर कैंथला ने मार दिया है इन्हें, और वहां पर जरेट बचे हैं अकेले, देखते हैं। 1 HP है वहां पर जरेट, और वहां पर ओपी भी पहुंचते हुए, वैसे आगे कैंथला की टीम भी है, आगे कैंथला की टीम भी है वहां पर, और आगे टीम ही टीम है, तो वो जोन में ही रहे तो अच्छा रहेगा। आगे फाइट देखने को मिल सकती है, और वहां पर एक स्क्वाड आती हुई है, और जो कल जिसने चिकन निकाला था वो टीम वहां पर डेविल ओपी के पास आ गई है। देखते हैं वहां पर, देखते हैं डेविल ओपी क्या कर पाते हैं। और वहां पर बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पर डेविल ओपी नॉक कर दिए ये, और बेहतरीन नेट किया है वहां पर, मुश्किल लग रहा है मुझे तो। टीएमपीएक्स ने वहां पर ओपी को, टीम जाती रही, और ऊपर से कैंथला की टीम भी है, अब देखते हैं। और वहां पर शिकारी ने HP09 को नॉक किया है, टीम 12 किल कर दिया है, और यहां पर देखना होगा क्या हो रहा है। और वहां पर एफसीएन ने नेगी को नॉक किया है, और यहां पर एफसीएन के टीममेट भी नॉक है, ऐसी बात नहीं है। और वहां पर कहीं है, क्या हो रहा है, और भाग गलत कूदे है वो वहां पर, और वहां पर, वहां पर एच कोटगुरु की हेल्थ बहुत ही कम थी, और वहां पर कोटगुरु की टीम बाहर हो गई है, एफसीएन शिकारी ने किल किया है वहां पर। और वहां पर रैपिड ने कैंथले को नॉक किया है, कैंथले की टीम, और यहाँ पर कैंथले की टीम ने वॉरियर हेल नॉक किया है, रैपिड नॉक किया, और कैंथले ने बहुत ही अच्छा खेला है वहां पर, कैंथले की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। कैंथला आर के नॉक थे, कैंथला MK14 बहुत अच्छा स्प्रे दी, और एजेंट बोल्ट ने भी रायता को मार दिया है, बहुत अच्छा कैंथले की स्क्वाड बची, और आयुजरेट ने वहां पर गाड़ी से कुचल दिया है, और देखते हैं। और वहां पर
कोरोना वायरस आइस रेड की फाइट देखने को मिल रही है। ये दोनों क्लासमेट रह चुके हैं, साथ ही देखते हैं वहां पर कौन किस पे भारी पड़ता है। और वहां पर आइस रेड और फिर फाइट देखने को मिल गया, और वहां पर आइस रेड ने अपने दोस्त को मार दिया है। बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिली वहां पर। आइस रेड हमारे ड्रेट के सीनियर प्लेयर प्रो बंदे, और वहाँ पर एफसीएन शिकारी ने नॉक किया है कैंटले के टीममेट को, और यहाँ पर फाइट देखने को मिल रही है कैंटले की। और यहाँ पर ऊपर से ग्रैग फायर उठा सकते हैं पीछे से, अगर वो फायर दे तो टीम 18 पे। और वहाँ पर दो नॉक है, और वहाँ पर पुश कर रही है एफसीएन। मुझे मुश्किल लग रहा है कैंटले की टीम पे रश हो चुका है, और देखना होगा वहाँ पर कैंथले की टीम बाहर होगी। एफसीएन बहुत ही तकड़ा खेल रहे हैं, कॉन्करर के बंदे हैं ये सब एफसीएन। और वहाँ ग्रैग सोलो है, और आइस रेट सोलो है। ओ जरेट अजैक्स ये कहाँ है, इनका कोई नाम नहीं आया अभी तक फाइट में। ये सेफ खेल रहे हैं आज, ओके। और कहाँ फाइट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर टीम 9 रश की मूड में लग रही है। यहाँ पे अगर ये घर ले लेते, अगर यहाँ कोई नहीं है तो बहुत ही अच्छा घर लिया इन्होंने, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये। और यहाँ पर आइस रेड ने बहुत अच्छा मारा था, और यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकती है वहां पर, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा वहां पर। एफसीएन ने वहां पर टीएमटीएस को नॉक किया है, एफसीएन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी टीम है। वहां पर एफसीएन ने नॉक कर दिया है टीएमटीएस फ्लेक्स को, और यहाँ पर एफसीएन उज्जवल को टीएमटीएस टीआरएक्स ने कर दिया है नॉक। और यहाँ पर बेहतरीन फाइट देखने को मिलेगी, और वहां पर टीम 18 बहुत ही अच्छा खेल रही है। एफसीएन ने आज टीएमपीएक्स को बाहर निकाल दिया है, जो कि कल फर्स्ट आए थे, ये कॉन्ट्रोल की बंदे हैं, और बहुत ही तगड़ा खेल रहे हैं। और आइस रेट यहाँ सोलो है, मुश्किल लग रहा है आइस रेट का। और वहां पर देखते हैं ग्रैग सोलो है, आइस रेड सोलो बच्चे हैं, और वहां पर टीम 18 और टीम 24 की फाइट में मजा आएगा। और टीम शिकारी ने 11 किल निकाले हैं, देखना होगा। ये फाइट देखनी होगी, और वहां पर ग्रैक ने सोल टेकर को नॉक किया है, और सोल टेकर ने ग्रैक और सोल टेकर फिनिश कर दिया, और ग्रैक ने जरेट मानवी को नॉक कर दिया है, और केले ही बंदे मार रहे हैं जरेट वहां पर, ग्रैक सॉरी माफ कीजिए। और वहां पर जरेट मानवी नॉक है, और यहां पर कुछ इस तरह बच गई है, 4 स्क्वाड बची हुई है। ग्रैक गया क्या, ओह अच्छा बचा है ग्रैक, अच्छा ग्रैक लेटा हुआ है, ठीक है ठीक है। और वहां पर बहुत अच्छा स्मोक किया है जैक्स ने, देखते हैं जरेट मानवी। और वहां पर किसी ने कभी बहुत गंदा लगा देखकर, ये मार सकते थे ने, वहां पर अजैक्स को नॉक कर दिया है। और वहां पर जरेट ग्रैक ने जरेट की स्क्वाड को फिनिश किया है, सोलो ही फिनिश किया है, पूरी स्क्वाड वाइप कर दी। और वहां पर मुश्किल लग रहा है वहां, ग्रैक सोलो बच गया, और आइस रेट को भी टीम एफसीएन ने फिनिश कर दिया है वहां पर। सोलो 1v3 हो गया है, 1v3 है क्या,
3 है, और वहां पर कुचल दिया है इन्हें। आज के जो रिजल्ट रहा वो कुछ इस तरह रहा।